मेरा नाम कपिल देव सहनी हुआ, घर ढंगा पूरब कलवाही, थाना आरे, जिला मधुबनी का मैं निवासी हूँ। हमको 2016 से डायबिटीज़ था। 2016 में डायबिटीज़ के बारे में हमको पता चला तो हमने जांच करवाया। जांच करवाने के बाद में अंग्रेजी दवा खा रहे थे। उसके बाद यानी कि 2019 यानी कि अक्टूबर में हमारे सारू जी को भी यानी कि शुगर लेवल बढ़ गया, तो दिल्ली गए इलाज कराने के लिए। दिल्ली से फिर आए तो शिक्षा मित्र में है, तो वो उनका एक साथी बोला जो वहाँ पे उनके यहाँ पे यानी कि आयुर्वेदिक तौर तरीका से इलाज होता है, बहुत अच्छा तरीका से होता है। और उससे पहले हम यूट्यूब पर भी देखे हुए थे, तो आज जाएंगे कल जाएंगे आज जाएंगे कल जाएंगे ऐसा हो रहा था। तो हम वो जब करवाए ना, वो बोले जो चलिए मेरे साथ, तो हम उनके साथ आए यहाँ पे। उस समय मेरा जो शुगर लेवल था यानी 280 के करीब, 280 के करीब यानी खाना खा के, और 240 खाली पेट में था। और 3 महीना इलाज करवाने के बाद हमको अभी दवा और अंग्रेजी दवा तो उसी समय से बंद हो गया। 1 महीना दवा चलने के बाद ही अंग्रेजी दवा बंद हो गया। और अभी जो दवा हुआ बंद होने के बाद यानी कि इनका भी आयुर्वेदिक तरीके से जो दवा चलती थी वो भी बंद हो गया है। तो अभी 140 खाने यानी कि पीपी जो मेरा है, तो यानी कि यहाँ पे आने के बाद हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और यानी कि गांव के भी लोग बोल रहे थे जो डायबिटीज़ कभी ठीक होता है क्या, अभी कम हो जाएगा फिर बढ़ जाएगा, तो सब अभी नहीं देख रहे हैं। बहुत यानी कि अच्छा महसूस कर रहे हैं हम। तो खाना में जो रोटी चावल आलू खाते हैं,